नीचे उफनती नदी, ऊपर हवा में लटके स्कूली बच्चे, जरा सी चूक और कुछ भी हो सकता है। ये स्कूली बच्चे रस्सी के सहारे लटके इस ट्रॉली में बैठे हैं। आगे बढ़ने के लिए ट्रॉली में बैठा बच्चा इस रस्सी को खींच रहा है। वो जैसे जैसे रस्सी खींच रहा है, ट्रॉली आगे बढ़ रही है। वहीं किनारे से एक युवक भी इस ट्रॉली को किनारे तक लाने के लिए इस रस्सी को खींच रहा है, लेकिन अचानक ट्रॉली बीच नदी में आकर रुक गई। वजह है, किनारे से खींच रहे युवक से रस्सी छूट गई। कुछ देर तक बच्चे बीच नदी में फंसे और फिर दूसरी ओर से जब युवक ने रस्सी खींची तो बच्चे अधर से आगे बढ़े, औख किनारे तक पहुँचे और फिर स्कूल के लिए आगे बढ़ गए। ये किसी एक दिन की बात नहीं है, ये कहानी हर दिन की है। हर दिन ये बच्चे अलकनंदा नदी पर इसी तरीके से स्कूल जाते हैं। भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी के बीच से ये स्कूली बच्चे ट्रॉली पर बैठकर नदी पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 3 साल से इस नदी को पार करने के लिए ये रस्सी या ट्रॉली एक ही सहारा है। स्कूली बच्चों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी इसी रस्सी के सहारे अलकनंदा नदी को पार करते हैं। जान हथेली पर लेकर बच्चे इस ट्रॉली पर सवार होते हैं और फिर इस नदी को पार करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई रस्सी खींचने वाला तक नहीं मिलता। मासूमों को खुद रस्सी खींचनी होती है और किनारे तक पहुंचना होता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है जब ये बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं। जिस ट्रॉली पर बैठकर ये बच्चे स्कूल पार करते हैं उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। ट्रॉली अंदर से गल चुकी है। ये बच्चे जैसे तैसे इस ट्रॉली पर खड़े हैं। अगर थोड़े भी ज्यादा हिले डुले तो नीचे उफनती अलकनंदा में गिरने का डर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस जगह ट्रॉली है वहां पहले पुल हुआ करता था, लेकिन 2013 में नदी के पानी में पुल बह गया। उसके बाद यहां कभी पुल बनाया ही नहीं गया। तब से लेकर अब तक इसी ट्रॉली के भरोसे रास्ता तय होता रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।